हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी दी हुई है 3813 और लास्ट टर्म दिया है 253। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है, हम आपको समय जाया ना करके इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। बहुत ईजी है और ये इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हमको क्या दी हुई है, हमको एपी दी हुई है 3813 और लास्ट टर्म दिया है 253। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये हो गया 3A जिसको हम ये मानते हैं, और कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है वो हो गया 8 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया 5 और लास्ट टर्म होगा 253। तो अभी हमको क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ निकालने हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो यह है लास्ट टर्म है, वी नो दैट एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट टर्म बराबर होता है नेट टर्म। ये वैल्यू रख दी इनकी सबकी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू आ गई 51। यानी हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 51। तो 51 टर्म्स हैं। तो लास्ट से 20 टर्म कितना होगा, लास्ट से 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी दी हुई है तो वो हो जाएगा 32। क्योंकि क्या हो जाएगा कि नहीं, 51 माइनस 20 प्लस 1 इजकल टू कितना हो गया 32। तो 32, तो 32 एन एच टर्म निकाल लेंगे तो 32 वाला जो है 32 32nd टर्म निकल जाएगा। तो वो हो जाएगा A32 एन एच टर्म से के फार्मूले से, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A32 इजकल टू ए की वैल्यू रख देंगे और एन माइनस वन कितना हो जाएगा 31, और डी की वैल्यू रख दी और ये हो गया। तो A32 की वैल्यू आ गई 158। और दोस्तों इसको हम क्या करें, अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे तो क्या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253, और जो कॉमन डिफरेंस जो पहले पॉजिटिव आया था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है अब लास्ट निकाल लेंगे 20वां टर्म। तो A20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है 2/3, एन माइनस वन यानी 20 माइनस 1 यानी 19, और डी है -5। तो ये हो गया 2/3 -95 और ये हो गया 158। तो आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आएगा। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अच्छे अच्छे वीडियो अब तक पहुँचते रहे। थैंक यू।